हम सारे आवन लड़े करी करी जागी जान जा सी क्या से बचे जैसे लड़ा का ये पांच बे होना से पांच तागुन दियो हमको टांगना था जगह ये चले चांदे सब ये देखो इसके माने जबरदस्ती भेज दिया तो स्वागत आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गल्ला एंड वाचिंग नितेश गल्ला ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत जो कि गौशाला से हो रही है, ये पूरे गाय भैंस हमारे पीछे रहे यहाँ पे। तो अभी जाने वाले हम यहाँ से खेत में हल लगाने के लिए। ये रहा हल और ये हमारी गौशाला है। बैल जो कि हमारे दंती में वो हल लगाते नहीं है, मतलब आपको पता है वो लेट जाते हैं तो बहुत सारा दिमाग खराब होता है हल लगाने में। तो ये बैल है, इनको लेके जाएंगे। पिछली बार भी इन्हीं बैलों ने हल लगाई थी। ये दादी जी के बैल हैं तो यही मांगे हुए हैं हल लगाने के लिए, क्योंकि हमारे बैल जो हल लगा नहीं रहे हैं तो इसलिए इधर उधर से जो कि बैल मांगने पड़ रहे हैं हल लगाने के लिए। और तो जहाँ से घर है लेके आया था फिर वहीं जाना है, वहीं पर हल लगानी है। तो अभी निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बारिश भी आने वाली है, क्योंकि मौसम पूरा ऐसे ही हो रखा है। आप देख ही सकते हैं पूरा मौसम। तो जो कि ये गई है गोंफला जगाने, गोंफला बोल दो, उपला, जो उपला होता है ये पूरा, ये उपला होता है। ये जो उपला होता है ये जलाने के लिए गई है। उसके बाद जो कि ये धूल रह जाते हैं, मच्छर रहते हैं, फिर धूल से मच्छर नहीं खाएंगे इनको, गाय भैंसों को। तो अभी मम्मी ने जो कि जो ज्वल का पटला रहता है जिससे पूरी मिट्टी जो है एकदम समतल हो जाती है, बीज नीचे दब जाता है, वो दे दिया किसी और के पास। वो भी वहीं जा रहे हैं, उनके खेत भी वहीं पर है, तो मम्मी ने वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो बहुत तेज है मम्मी। हाँ तो ये लोग जा रहे हैं, वो ये भी वहीं पर लगाएंगे हल। तो कल भी जो खतरनाक वाली हवा हुई है शाम को, मतलब एक दो लोगों की तो टीने उड़ गई थी, तभी वही डर लग रहा है। हमारी ये वाली टीन भी ऐसी है, हमारी टीन की, हाँ यहाँ पर तो हवा हो रही है, सुनाई भी नहीं देगा। हमारे किचन पे भी टीन लगी हुई है, गौशाला में भी टीन लगी हुई है। एक डर जो बना रहता है कि हमारी टीन में ना उड़ जाए कहीं। बियाल की तरह ये, अरे की तरह हवा, ये 10 में है और ये बोले बियाल की तरह हवा होने लगे। वाह वाह, कल की तरह हवा, पानी फट रहा था लोगों के, तीन उड़ गए, फड़ा गए थे एक बार। लग जा लग जा, नहीं चलो 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 निकल पड़े हल लगाने के लिए। लेकिन हवा बहुत तेज हो रही है। सारे डंडे बाहर आए हुए हैं, चलने के लिए नहीं हो रहा है, कंधे में भी दर्द। अरे हवा हवा, भाई साहब बेइज्जती होने वाली है आज तो, जल्दी करना पड़ेगा फिर। और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, देखते हैं अभी क्या होता है। जो भी मिल जाए मेरे, चुप
चलो चलो चलो, ऐसे घिरते पड़ते रहते हैं। चलो अभी यहाँ पे एक चीज दिखा दो आपको, ये सो रखे हैं अभी यहाँ पे। ना अक्का दी बच्चे चाहिए ना तो मेरे फोन भगा लेंगे। हाँ ना पहले अक्का लोग हम जाने चाहिए नहीं जाने से काम नहीं है। समझे तत्रा उनका ती चीज तो तोड़ यार। मैंने गलती से यहाँ पे ये रख दिया, वो तो अच्छा आगे नहीं रखा, और मम्मी ने इनके आगे से ये लगाया हुआ है बारिश बुरिश से बचाने के लिए। तू को मैं रुकांगे हम सारे आवर लड़ाई करी करी जागी जान जा सिखा से मजा जैसे लड़ा का ये पांच बे होना से पांच तगुन दियो हमको टांगना था जगह। तो भी ये बोले वो पांच वहां पे कैसे है, अगर हम होते उनकी जगह पे तो लड़ाई करके भगा दे सबको, ये ऐसा बोल रही है। मैं चाह जैसे या को जा तो तभी भी थिंक को चाह तो सब याद रखो हम यो अभी आदमी मंगी शोला तुई तो यो तो लात मारी मुंह करके। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं बारिश बंद होने का, वैसे तो होगी नहीं लेकिन फिर भी रुक रहे हैं और ठंड अलग लग रही है। मम्मी ने बोला था घर से जैकेट रख ले, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि यहाँ बारिश होगी और फिर ठंड होगी। हाँ, रुक जाओ बैल रुक जाओ, आगे मत आओ। अभी जो कि पूरे खेत में हल लग चुकी है, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और बारिश भी जाएगी अभी बंद हुई है। जब मैंने हल लगा दी थी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया हूँ, सिर पूरा गीला हो गया, जुकाम पहले लगा हुआ था अभी हो लग जाएगा, बहुत पानी है अभी पूरे बताइए फोड़ंगन साफ पानी है कपाल मेरे को, इसको बोला तो टावल दे फावड़ा दे रही मेरे को, हद हो गई। कितनी ठंडी है ठंडी है। तो भी निकलते हैं मार्केट की ओर, कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं बहुत टाइम बाद। ये वाली जींस डाली हुई है जिसके घुटने फटे हुए हैं, लेकिन ये फैशन के अंदर आता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है फटी हुई है तो मेरे को शौक भी पहनने का। तो लोग जो अभी बोल रहे हैं कि बीज बोतने भी जा रहे हैं, मतलब जो खेत में बीज बोने जा रहे हैं अब, क्योंकि वो लोग घर आ गए थे जब बारिश हुई होगी, हमने तो लगा दी थी जैसे जैसे करके हल लग गई है। अभी निकलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं कि मेला स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, और आपको भी दिखाएंगे हल्की फुल्की जो भी झलकियाँ होंगी। नाचने वाला क्या अरे तुम क्या बने दबाओ।
वही यार तो दाखिल होने वाला है यार तो कौन है नहीं सुनते लोग हम दो साल से परेशान है माता पार्वती पार्वती मैया हम अकेले इस बीमारी की वजह से केले चाटे गोलकन किसी को नहीं ला पाया ये मेरा आदि गुरु ये ये पंडित हमारे साथ पूजा करेगा पंडित हमारा ये पार्वती मैया देखो जगत पार्वती मैया ये चले चांदे सब ये देखो इसके माने जबरदस्ती भेज दिया यात्रा करवाओ आदि गुरु आ जा बेटा ये देख ये तो पापा के साथ लड़ाई करके आया नाग बाबा ये देखो ये नाग बाबा जी ये हरिद्वार में कुमन हने आया था राजा गिरिराज ये देखो ब्यासी में मिला हमको सारी छूटे इसके छोड़ दे जयपुर से आया ये जयपुर इसके माँ बाप की बहुत इच्छा थी केदारनाथ यात्रा करवाने की आ जाओ ये देखो ये चमड़ी से आया ऊपर से ये चोकू ने खा के परेशान कर दिया चंदन गिरी है आ जा भाई ये भूतों का भूत का जनता सेवक है भले शंकर महाराज जी बताइए हाँ इस साल कैसे दुख कैसे सुख मेला कितना है मेला इतना आ रहा है कि इस समय गौशालों में पूरे कुर्सी में मेला आ रहा पीछे से दो साल की बीमारी थी वो खत्म बारिश पानी जबरदस्त रहेगा कोई ये नहीं से ये तो झूठ अखाड़े से सवार रखे कोई ये लोकल अखाड़े से भी आ रहे ये सब केदारनाथ की यात्रा पर तुम देखते ना कि भोले नाथ की बारात में लगे हैं सारे रास्ते भगवान की कृपा और दुख दुख दरिद्र दुख दलित कुछ नहीं है इस समय पर ऐसा भंडार भरेगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि उतना भंडार कभी नहीं भरा जितना इस बार भरेगा।